हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आरडीएस स्टडी फैक्ट चैनल में। तो यार आज एक बार फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इस बार आप सभी एग्ज़ाम ओपन बुक द्वारा यहाँ पास हुआ था, जो कि आप अपने घर पे ही दे चुके थे। लेकिन मुझे पता है कि जो ओपन बुक का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी आपका कैसा एग्ज़ाम यहाँ पर लेता है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे लेकिन वो कभी कॉलेज पर गए ही नहीं, उनका जो पेपर है वो घर पे ही हो चुका था, वो अपने ओपन बुक द्वारा यहाँ पास पेपर तो दे चुके थे। लेकिन अब भी उनको नहीं पता कि हमारा वाइवा कैसा होता है, सीसी कैसा जमा होता है, उनका मार्क कितना होता है, कैसा हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना आप लोग के लिए यहाँ पास वीडियो बना दूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर से बीएससी सेकेंड ईयर में भी जाएंगे तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यार इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आप यहाँ पर मैं ए टू जेड यहाँ पर जानकारी आपको देने वाला हूँ और साथ में आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह वीडियो अभी तक आप कहीं नहीं देखे होंगे जो कि मैं आप लोग को यहाँ पास प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पास मैं बीएससी सेकेंड ईयर का एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पास मैंने इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर किया हूँ, पहला है फिजिक्स एग्जाम और दूसरा है यहाँ पास केमिस्ट्री एग्जाम। और साथ में जो बच्चे के रेगुलर होंगे, प्राइवेट होंगे या फिर एक्स स्टूडेंट होंगे, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उन सबका यहाँ पास एक ही वीडियो में सब कुछ यहाँ पास कवर कर दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, यूनिट के बारे में बताऊंगा और साथ में उनका पार्ट के बारे में बता। उसके बाद फिर यहाँ पास मैं आप जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, फिर एक्स स्टूडेंट या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो गए, उनका यहाँ पास मैं पेट के बारे में बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में कितना मार्क आपको दिया जाता है। साथ में यहाँ पास मैं आपको वाइवा और सीजनल मार्क, जिसे हम सीसी वगैरह भी कहते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पास बताऊंगा। उसके बाद फिर यहाँ पास जो टोटल एग्जाम मार्क होता है वो सब यहाँ पास बताने वाला हूँ, पर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मार्क कितना आता है, यहाँ पास मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो यहाँ पास मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के यहाँ पास पार्ट बताने वाला हूँ, तो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो पार्ट होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, पहला हमारा ऑप्टिक्स हो गया जिसे हम फर्स्ट पेपर कहते हैं, दूसरा पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर उसको हम मैग्नोस्टैटिक जो पेपर है उनका ये नाम है। उसके बाद केमिस्ट्री के यहाँ पास आपका तीन पेपर होता है, पहला आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तीसरा आप लोगों के यहाँ पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। आप लोग तो जानते ही होंगे जो फिजिक्स होता है उसका नाम तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, लेकिन जो केमिस्ट्री है उसका नाम चेंज नहीं होता, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, ये सब हम लोग पढ़ते रहे हैं। लेकिन हमारा जो फिजिक्स है, आप जो फर्स्ट ईयर में होंगे तो उसमें मैकेनिक्स वगैरह पूछा होगा। तो चलिए यहाँ पास और थोड़ा जान लेते हैं, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका 5 यूनिट होता है, उसी तरह आपका जो सेकेंड पेपर है उसमें भी आप 5 यूनिट होता है, उसी तरह हमारा जो केमिस्ट्री हो गया उसमें भी यूनिट आपका 5 देखने को मिल जाएगा, सेकेंड में भी आपको 5 यूनिट देखने को मिल जाएगा और थर्ड में भी आप लोगों को 5 यूनिट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको टोटल करके बताता हूँ का जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर का जो टोटल यूनिट है वो आप लोग को यहाँ पास 10 यूनिट देखने को मिल जाता है, वैसे ही आपको जो केमिस्ट्री है वहाँ आप लोग को 15 यूनिट देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पास मैं बात करूँगा रेगुलर एक्स और प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ पास होगा आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम का। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बस आपका 25 मार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ में जो सीजनल मार्क होता है यानी सीसी वगैरह वो आपको 10 मार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ में आपका जो वाइवा होता है वो 15 मार्क यहाँ पर होता है। तो यहाँ पास मैं आपका टोटल कर दूँ तो आप लोग को यहाँ पास 50 मार्क देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपका जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है टोटल आप लोग का 50 मार्क यहाँ पास होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक्स स्टूडेंट होंगे या फिर प्राइवेट वाले स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पास उनको बता देता हूँ, तो उनका यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उनका जो 35 मार्क यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बाद उनका जो सीजनल मार्क होता है वो नहीं होता। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो वाइवा 15 मार्क का होता है, टोटली यहाँ पर 50 मार्क का। आपको यह बता देता हूँ कि आपके जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपके 2 पेपर देखने को तो मिलता है लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो एक ही देना पड़ता है, लेकिन जो केमिस्ट्री होता है वो ऐसा नहीं होता। तो चलिए आपको केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, केमिस्ट्री के यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल होते हैं, पहला हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल,
उसके बाद फिर यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, और यहाँ पास टोटली यहाँ तीनों प्रैक्टिकल है वो 12 मार्क का यहाँ पास होता है। उसके बाद आपका जो बाइवा में जो मार्क मिलेगा है वो आपका 6 से होता है। उसके बाद फिर यहाँ पास जो रिकार्ड वगैरह सीसी होते हैं उनका यहाँ पर 8 मार्क यहाँ पर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जो हमारे केमिस्ट्री होता है उनका अलग अलग यहाँ पर प्रैक्टिकल बनाया जाता है, यानी कि उनका 3 पार्ट है तो वो 3 पार्ट में आप बनाते हैं यहाँ। लेकिन हमारा जो फिजिक्स हो गया उसका ओनली केवल एक ही प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए यहाँ पास आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ पास हम केमिस्ट्री का टोटली यहाँ पास करते हैं तो उनका जो टोटली यहाँ पास प्रैक्टिकल का जो मार्क है यहाँ पर 50 मार्क होता है। यानी आप कह सकते हैं फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया फिर एक्स वालों का हो गया, यहाँ पास उनका टोटली जो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उनका जो टोटल मार्क होता है वो आप लोग को 50 मार्क देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पास आपका प्रैक्टिकल यहाँ पास कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोग का वाइवा और सीजना सब कुछ यहाँ पास कवर कर दिया हूँ। अब चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका एग्जाम किस तरह होगा। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले बताता हूँ आपका जो सेक्शन डिवाइड पेपर का जो पार्ट है। तो देखिए आपका जो पेपर है कुछ इस तरह डिवाइड होते हैं, यहाँ पास पेपर कितना 3 पेपर होगा, और 3 पेपर जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि ओपन बुक में आप लोग का जो पेपर था वो एक ही में सब कुछ यहाँ पर दिया था, लेकिन आप लोगों का इस तरह नहीं होगा। जब यूनिवर्सिटी में आप लोग अपना पेपर दोगे तो अलग अलग दिन आप लोग के यहाँ पर पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर पूछा जाएगा, और जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की जो मार्क है वो आपका 27 मार्क यहाँ पर होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 27 मार्क होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका 26 मार्क होगा। अब यहाँ पर पूछोगे कि सर यहाँ पर एक्स स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के यहाँ पास क्या फंडा है, तो आप लोग को बता दूं कुछ जो रेगुलर हो गए प्राइवेट स्टूडेंट हो गए उन सब का यहाँ पास सेम ही यहाँ पास पेपर रहता है। चलिए यहाँ पास अब बताते हैं कि आपका जो 27 मार्क था वो किस तरह आया था। तो देखिए आप लोग को जो 27 मार्क था इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख चुके हैं कि यहाँ पास आप लोग का 27 मार्क होता है वो किस तरह होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जहाँ आप लोग का जो 5 क्वेश्चन होगा वहाँ आप लोग का 0.5 मार्क यहाँ पास आप देखने को मिल जाएगा। उसी तरह आपका जो सेक्शन बी हो गया देख सकते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप लोगों का यहाँ पास 7.5 है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है पर हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इसको टोटली यहाँ पर कंबाइंड करोगे तो आपको यहाँ पर 27 यहाँ पर मार्क देखने को मिल जाएगा। और हाँ यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, तो यहाँ पास आप लोग को हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो चलिए यहाँ पास आप लोग को 27 मार्क का कवर हो चुका है। उसके बाद ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम इसी तरह है कि उसका भी यहाँ पर एजेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगी, तो यहाँ भी सेक्शन वाइज आपका यहाँ पास पेपर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पास केमिस्ट्री बात तो कर लिए हैं कि आपके यहाँ पर हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके जो फर्स्ट यूनिट ए है उसमें आपका एजेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सेकंड में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, थर्ड में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स एग्जाम के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर जो सेक्शन डिवाइड है बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेगुलर स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा, तो रेगुलर स्टूडेंट का जो एग्जाम पेपर होता है आपके यहाँ पर सेक्शन 3 होंगे, पहला ए सेक्शन हो गया, इसमें भी बी सेक्शन होता है, इसमें सेक्शन होते हैं जिसमें एक सेक्शन में हमारा यहाँ पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसके बाद फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क का होता है, उसके बाद फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें 2 मार्क का होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो 5 मार्क का होता है। अब यहाँ पास आपको बताता हूँ कि टोटल इनका मार्क हो गया। तो देखिए यहाँ पास 5 का गुणा आप 1 में करोगे यहाँ पास जो मार्क है 5 मार्क यहाँ पास होगा। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पास आप लोगों का 10 मार्क हो जाएगा, और हाँ आप लोग को यहाँ पास टोटली पूरा यहाँ पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में तो आप लोग को यहाँ पास कितना 5 मार्क यहाँ पास होता है, जब यहाँ पास आप लोग गुणा करोगे तो यहाँ पास टोटली यहाँ पर 25 मार्क हो जाएगा। जब इसका हम टोटली मार्क यहाँ पास करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 40 मार्क यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह हम लोग प्राइवेट स्टूडेंट की बात करते हैं तो प्राइवेट स्टूडेंट का यहाँ पास सेम ही होता है, उनका भी यहाँ पास सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी होता है, उनका भी यहाँ पर एजेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप होता है, लेकिन उनका यहाँ पास 5 क्वेश्चन तो होता है लेकिन उनका जो मार्क होता है वो 1 मार्क होता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन तो 5 ही होगा लेकिन उनका जो मार्क है वो 3 मार्क का होता है। उसके बाद फिर यहाँ पास आपका जो 5 क्वेश्चन हो गए
उनका भी 5 क्वेश्चन होता ही है, लेकिन जो मार्क है 6 मार्क का होता है। तो यहाँ पास हम लोग टोटली यहाँ पास करेंगे एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टोटल मार्क यहाँ पास 5 यहाँ पास आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसका टोटली मार्क 15 होता है, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसका 30 मार्क होता है। जब हम इसको पूरा यहाँ पर टोटली करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 15 5 कितना 20 हो गया, 20 30 50। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इनमें मार्क क्यों बढ़ा है। तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, प्राइवेट वाला जो यहाँ पर प्रैक्टिकल हुआ था उनका सीजनल यहाँ पास नहीं हुआ था। कल एग्जाम का मार्क और जो आपका जो पेपर होता है दोनों मार्क को यहाँ पर मर्ज किया जाता है, जहाँ आप लोग को 100-100 नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनका भी यहाँ पर टोटली पेपर यहाँ पर 100 मार्क के यहाँ पर होता है। तो आई नो कि यार आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझ में आ चुका होगा और इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पर टोटली जानकारी यहाँ पर दे चुका हूँ। आने वाले टाइम में आप लोग के लिए आने वाले टाइम में और भी वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ। अगर उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल के नीचे आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लॉन्ग हो चुका होगा, लेकिन यह वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।